नमस्कार, स्टोरी ऑफ रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, जिनके लिए हमने आधे किलो आलू लिए हैं, जिसे हमने उबाल कर पहले से छील लिया है। 2 से 3 चम्मच हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, तेल पापड़ बनाने के लिए, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा। अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैश कर सकते हैं, कद्दूकस करने से आलू में गुठलियां नहीं रह जाएंगी। हमने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अगर आप कद्दूकस करके आलू के पापड़ बनाएंगे तो आलू के पापड़ फटेंगे नहीं और बनने में आसानी होगी। अब हम इसमें हरी धनिया पत्ती डालेंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च भी डालेंगे, जीरा भी डाल देंगे और सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। आप इस पापड़ को व्रत में भी खा सकते हैं। आप इस वाले नमक की जगह इसमें सेंधा नमक मिला सकते हैं। आलू में सारी चीजें अच्छे से मिल गई है। अब हम इसका पापड़ बनाएंगे। अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। हमने पापड़ बनाने के लिए इस तरह की एक पन्नी ली है। पन्नी को बीच से इस तरह से खोलें और इसमें तेल लगा लें। तेल को दोनों साइड में लगाएं, दोनों भागों पे। अब हम आलू से एक छोटी लोई लेंगे और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। 1 नींबू के बराबर इतना आलू लेंगे। इस पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, अच्छे से लगा देंगे गोले पर। अब पन्नी को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे और एक प्लेट के पीछे हिस्से से इसको दबा देंगे हल्के हाथ से। ये देखिए कितना अच्छा गोल पापड़ बनकर तैयार है। अब इसे अब पन्नी को ऊपर वाले हिस्से को उठा लेंगे। अब इसे एक थाली में आराम से पलट लेंगे। पन्नी को धीरे धीरे, ये देखिए बहुत अच्छा पापड़ बना है गोल गोल। इसी तरह से हम दूसरा पापड़ भी बना लेंगे पन्नी में तेल लगाकर। पापड़ को आप अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी धीरे धीरे फैला सकते हैं। इस तरह से उंगली से गोल कर लें। हमारा दूसरा पापड़ भी बनकर तैयार है। अब इसको भी धीरे से उठाएंगे और थाली में पलट लेंगे। हमने दूसरा पापड़ भी पलट लिया है, ये देखिए। अब हम इसी तरह से सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने पापड़ बनाने के 2 तरीके बताए हैं आपको। आपको जो भी पसंद आए आप उस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं इस तरह से। आप पापड़ ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो लाल मिर्च और भी डाल सकते हैं। अब हम इसे सूखने के लिए तेज धूप में छत पर रखाएंगे। जहां भी आपको धूप की सुविधा मिले आप वहीं सुखाइए। पापड़ को सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब पापड़
ऊपर से सूख जाए तो हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी सुखा लेंगे। पापड़ को पूरा कुरकुरा होने तक सुखाएंगे। अब हम इसको धूप में रखते हैं। अब जब पापड़ सूख कर तैयार हो जाएंगे तब हम इसे आपको दिखाएंगे। हमारे पापड़ सूख कर तैयार हो गए हैं। इसे हमने 2 दिन में सुखाया है। सूख कर बिल्कुल कुरकुरे हो गए हैं पापड़। अब हम इसे फ्राई करके भी दिखाएंगे आपको। हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। पापड़ तलने के लिए तेल बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, ना बहुत कम, मध्यम होना चाहिए। अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तो पापड़ डालते ही काले हो जाएंगे। अब हम तेल को चेक करते हैं। थोड़ा सा पापड़ इसे हम डालकर तेल में चेक करते हैं। तेल गर्म हो गया है, पापड़ सिक के ऊपर आ रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में पापड़ को तलने के लिए डालेंगे। इस तरह से 2-3 पापड़ डाल देंगे। कलछी से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। आंच को तेज नहीं करना है, आंच को मध्यम ही रखेंगे। पापड़ सिक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। पापड़ बहुत जल्दी ही तल जाते हैं, ये देखिए। हम इसी तरह से और भी पापड़ तलकर तैयार करते हैं। पापड़ डालते ही तुरंत सिक कर ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह से हम सारे पापड़ तलकर तैयार। हमने सारे पापड़ तलकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे आलू के पापड़ बने हैं। आलू के पापड़ सभी को बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही कुरकुरे पापड़ बनकर तैयार हैं। आलू के पापड़ बनकर तैयार हैं। आप इसे सुबह शाम चाय के साथ कुरकुरे कुरकुरे पापड़ का आनंद उठाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।